ये कौन है? साडा क्या क्या बोलते हैं? साडा है टोनी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हैप्पी न्यू ईयर बोल दो एक बार। हैप्पी न्यू ईयर। All right, so namaste, adab, salam, khair, wal, kim, chukka, sakai. This is a modern beat story all the way from sky. So dude, happy new year to all of you. 2020 चला गया है एंड 2021 आई होप आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, आपकी सारी विशेष पूरी हो, जो आपको चाहिए 2021 में सब कुछ मिले एंड आप लोगों ने जो मेरे को इतना प्यार दिया 2020 के अंदर, 2021 के अंदर मेरे को उससे भी ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, उससे भी ज़्यादा आप लोगों का प्यार चाहिए। तो आप लोगों का प्यार बनाए रखिए, आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखिए एंड इस ईयर के अंदर मेरे को मेरे 100K सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, यही मेरा एम रहेगा इस ईयर का एंड हमारा सिल्वर प्ले बटन इस ईयर के अंदर आ जाना चाहिए। तो मैं तो मेरी मेहनत डबल ट्रिपल चौबल करने वाला हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग भी मेरा सपोर्ट करो एंड मेरे को ऐसे ही प्यार देते रहो जैसे हमारे लास्ट ईयर के अंदर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाए आप लोगों ने। इस ईयर मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ। सो भाई, सो गाइस, अभी हम लोग 2021 के अंदर आ चुके हैं, नया साल है, नई चीज़ें करेंगे, नई तरीके से मचाएंगे। सो भाई, सो डूड, फाइनली आप लोगों को भाई आज भी बहुत तेज़ है, सूरज निकला नहीं है अभी तक एंड आज मैं जल्दी उठाऊँ एंड 2021 के अंदर बस मैं यही करने वाला हूँ, अब डेली जल्दी उठूँगा, कोई भागम भाग नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सब कुछ काम होगा एंड टाइम से होगा। सो वही, एंड मैं आराम से उठ गया हूँ तो आप लोगों से आराम से बात भी कर पा रहा हूँ जैसे कि आप लोग देख रहे हो। सो वही, सो अभी क्या रहेगा गाइस, 2021 के अंदर हम लोग ऐसे ही व्लॉग करेंगे एंड 7 डे व्लॉग का जो चैलेंज है वो कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है जो 2021 के अंदर मैं आप लोगों से देने वाला हूँ। एंड गाइस, आप लोग जो व्लॉग होता है उसको पूरा लास्ट तक देखा कीजिए, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग उसके अंदर हमेशा ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा बिल्कुल रेगुलर रहेगा, कुछ ना कुछ इसके अंदर हमेशा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो व्लॉग को प्लीज़ लास्ट तक देखिए एंड ज़्यादा भी मैं लंबा इसको नहीं खींचूंगा। सो गाइस, अभी मैं नीचे जाता हूँ एंड बहुत ज़्यादा ठंडा रूट, आप चारों तरफ देख सकते हो कोई भी नहीं है ऊपर छत के ऊपर, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। सो रूट, वही मैं आप लोगों से बोल रहा था कि भी ऊपर कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला ही हूँ। सो आप लोगों को मैं बोलता हूँ, अभी मैं जाता हूँ नीचे एंड रेडी होता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। हमें धनो बैठ के हम लोगों को बस पे भी चलना है, अगर ज़्यादा हम लोगों ने इतना रिलैक्स किया तो हम लोग लेट भी हो सकते हैं, जल्दी उठ गया इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर उठकर बातें करते रहेंगे। सो भाई, सो एक बार मैं आप लोगों को हमारे चारों ओर का नज़ारा दिखा देता हूँ और उसके बाद नीचे चलता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, तो पहले तो देख सकते हैं खुला खुला आसमान, बहुत ही कमाल का है। अभी मैं नीचे जाता हूँ एंड फिर रेडी होता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ मेरे धनों के साथ। समझ रहे हो ना आप लोग, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। सो भाई, सो 2021 आ गया है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आप लोगों के लिए बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें करने वाला हूँ। सो भाई, सो आप लोगों के लिए 2021 का एक सरप्राइज़ भी है जो 7 डे व्लॉग कंप्लीट होने के बाद 7वें व्लॉग के अंदर, जब मैं सातवां व्लॉग अपलोड करूँगा तब आप लोगों को बताऊँगा। सो अभी मैं नीचे जाता हूँ, रेडी होता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर के बाद। सो फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और अब हम लोग निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। ये पापा ने धनों को बाहर निकाल लिया है, बस अब लोग हम इसके ऊपर बैठेंगे एंड जाएंगे ऑफिस के लिए। बैठते हैं, जल्दी बैठ जाते चले जाते वरना लेट हो सकते हैं। सो वही, सो मिलते हैं आप लोगों को बस के वहाँ। फाइनली मेरे पापा जा रहे हैं मेरे को छोड़ के, 2021 का पहला दिन है, हम लोग ऑफिस जा रहे हैं, पीछे मेरी बस खड़ी है। सो वही डूड, सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, आज ऑफिस के अंदर भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन किया जाएगा तो वो भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बहुत आपको दिखाने का, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑफिस के अंदर शूट करना अलाउड नहीं है, बट स्टिल फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए एंड अभी तक जब तक बस स्टार्ट नहीं है तब तक हम लोग बात कर सकते हैं आराम से। मेरे को यहाँ बात करना बहुत सही लगता है, बिकॉज यहाँ थोड़ा अलग फील है एंड घर के अंदर तो डेली का जैसा रहता है। एंड ये पीछे देख सकते हो सब लोग आ रहे जा रहे हैं एंड आज तो चहल पहल ज़्यादा है थोड़ी, हमेशा से वैसे तो क्या रहता है बिल्कुल सुनसान रहता है, बट आज साल का पहला दिन है तो सभी लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं अपने काम पे, जल्दी जल्दी सभी कुछ काम कर रहे हैं क्योंकि सब लोग सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं। आई थिंक 31 को सब लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन नॉर्मल जो इंसान होता है वो 1 तारीख को सेलिब्रेट करता है, 31 को सेलिब्रेट नहीं करता है। सो ये पीछे बस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है और मेरे हिसाब से तो वीरेंद्र जी भी तक आए नहीं है, और वो देखिए कौन आ गया है,
वो वीरेंद्र जी आ गए हैं एंड मैं जूम करके दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम ही लोग चलते हैं उनको रिसीव करने के लिए। तो हमेशा की तरह हम चलेंगे वीरेंद्र जी के पास। पास क्या चले, वो खुद ही आ जाएंगे, पीछे की तरफ है। एंड बहुत टाइम से मेरे को पता ही था वो लेट होने वाले हैं, बट इतने लेट नहीं हुए कि बस निकल जाए। एंड अभी वो पार्क कर रहे हैं अपनी बाइक को, ठंड बहुत ज़्यादा है। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर एंड गुड मॉर्निंग। सो बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। सो हैप्पी न्यू ईयर बोल दो एक बार सबको वीरेंद्र। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। सो हैप्पी न्यू ईयर सबको मेरी तरफ से, हमारे वीरेंद्र जी की तरफ से, और जितने भी हमारे ऑफिस स्टाफ उनकी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से। 2020 के अंदर इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया उसके आप लोगों को, थैंक यू। एंड 2021 के अंदर भी उतना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो अभी हम लोग चलते हैं बस के अंदर, मिलते हैं आप लोगों से बस से उतरने के बाद। सो डूड फाइनली हम लोग बस से उतर चुके हैं। 2021 का ऑफिस का पहला दिन, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, नए साल के अंदर नई चीज़ें करना चाहते हैं। सो पहले हम जा रहे हैं ऑफिस, जो कि आप लोगों को पता है एज ऑलवेज वॉकिंग डिस्टेंस पे है। एंड कुछ ही मतलब सेकंड के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे, बट मैं जाता हूं रास्ते में आप लोगों के लिए शूट करता हुआ, बिकॉज मैं चाहता हूं हर चीज़ आप लोगों को दिखाऊं। सो भाई एंड ब्लॉग हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एंड मॉर्निंग को लेके ऑफिस तक का तो सेम रहता है, इसके अंदर भी आप लोगों को कुछ नया नया सुनने को मिलता है, बट फिर भी क्या होगा, ऑफिस के बाद में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करता हूँ, बाहर जाकर तो व्लॉग को लास्ट तक देखते रहना है। 2020 में जितना सपोर्ट किया है 2021 के अंदर उससे ज़्यादा चाहिए, हमको 100K सब्सक्राइबर हिट करने हैं। एंड जैसे आप लोग देख सकते हो मेरी व्लॉगिंग स्किल पहले से थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, एंड टाइम के साथ मैं और सीख जाऊँगा। एंड ये बेस्ट नहीं है, बट 2021 के अंदर मैं इतना अच्छा सीख जाऊँगा कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। सो भाई तो सीखते रहना चाहिए इंसान को। एंड ये क्या है, सो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता ही है। एंड अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं ऑफिस के अंदर, भी थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन होगा। एंड वहाँ अंदर मैं शूट तो नहीं कर पाऊँगा, बट स्टिल फिर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ क्लिप्स आप लोगों को दिखा पाऊँ, कुछ फ़ोटोज़ आप लोगों को दिखा पाऊँ, क्योंकि आज पहला दिन है न्यू ईयर का। सो आज ऑफिस के अंदर भी सेलिब्रेट करेंगे हमारी ऑफिस की टीम। सो आप लोग दिखाऊँगा उसके भी कुछ शॉर्ट्स, एंड आप लोग उसको भी इन्जॉय कीजिएगा, ये आपके लिए शायद से कुछ अलग रहेगा। एंड आप लोग देखने को मिलेगा कि मेरा ऑफिस अंदर से कैसा है क्या है, कोशिश करूँगा, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट कोशिश करूँगा अगर दिखा पाया तो। सो अभी मेरा ऑफिस ये आ चुका है, सो अभी मेरे को आपको बाय बाय बोलना पड़ेगा। एंड मिलूँगा आप लोगों से कुछ ही सेकेंड के अंदर। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे लिए बहुत घंटे, आप लोगों के लिए कुछ सेकेंड। मैं मोबाइल को इधर लगाता हूँ एंड थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और ये हमारे शिव रतन लाठा जी, और ये लाठा जी आ चुके हैं, ये भी मेरे साथ मॉर्निंग में जल्दी आते हैं। तो मैं, वीरेंद्र जी और लाठा जी आते हैं। ओह नो, ये हाय करेगा पकड़ना। ये हमारे लाठा जी हैं और ये नियर है, तो ये बहुत मेरे नियर एंड डियर है। सो एक बार हैप्पी न्यू ईयर बोल दो लाठा जी। हैप्पी न्यू ईयर बोल दो एक बार। हैप्पी न्यू ईयर। सो अभी हम लोग मिलेंगे आपको ऑफिस के बाद में, मिस्टर जॉनी।
ऑलराइट सो डूड, अभी फाइनली मैं ऑफिस से बाहर आ चुका हूँ एंड ऑफिस से बाहर आया हूँ आज हो गया मैं बहुत ज़्यादा लेट। लास्ट मोमेंट पे एक मीटिंग भी हो गई थी इस वजह से मैं लेट हो गया हूँ एंड आज ही मेरे को जल्दी जाना था, दोस्तों के साथ कुछ मेरा प्रोग्राम था बाहर जाने का। सो मेरी वजह से दूसरा सेलिब्रेशन ख़राब ना हो इसलिए मैंने उनको तो बोल दिया है कि तुम लोग जाओ एंड मैं हो चुका हूँ बहुत ज़्यादा लेट। सो आप देख सकते हो अभी बिल्कुल शाम हो चुकी है एंड अभी शायद तक से किसी को लिफ्ट देना एंड टैक्सी का वेट करना बेवकूफ़ी होगी। सो अभी आज जो मैं है हमारी ऑफिस की बस के अंदर ही जाने वाला हूँ एंड फालतू ठंड में परेशान होने से मतलब नहीं है डूड। हमारे जो सर हैं एंड पूरा ऑफिस स्टाफ उन सब लोगों ने मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट किया एंड जो हमारे सर हैं हमारे मैनेजर हैं वो हम सब लोगों के लिए गिफ्ट भी लाए थे एंड बहुत अच्छे हैं वो, दिल के भी बहुत अच्छे हैं एंड वैसे भी बहुत अच्छे हैं, मतलब सब तरीके से बहुत अच्छे हैं वो। सो थैंक यू सो मच मेरे सर के लिए भी कि उन्होंने हमारा न्यू ईयर इतना स्पेशल बनाया। सो भाई सो अभी ये फाइनली है पीछे की तरफ हमारी बस है ये खड़ी है, शायद तक से आप लोगों को दिख रही होगी। सो इसी के अंदर हम लोग बैठ कर जाने वाले हैं कि आप लोगों के लिए शायद से नया होगा कुछ, आप लोगों ने देखा नहीं होगा कभी मेरे को ऑफिस बस में जाते हुए, तो ये ऑफिस की बस पीछे खड़ी है इसी में बैठ के हम लोग जाने वाले हैं। पता है तो फाइनली मेरे साथ है सतीश जी जिनकी अभी अभी शादी हुई है 9 तारीख को, शायद तक से जो व्लॉग था हमारा इंस्टाग्राम वाला बनाया था कि फॉलोअर्स डिसाइड करेंगे मेरा दिन कैसा रहेगा, उसके अंदर लास्ट के जो दिन था उस दिन मैं इन्हीं की शादी में गया था एंड काफ़ी टाइम हो गया, एक मंथ हो गया हम सेम कंपनी में फिर भी मिले नहीं, बिकॉज मैं मॉर्निंग में जल्दी चला जाता हूँ। बट फाइनली क्या हुआ है अभी आज मैं लेट हो गया हूँ एंड ये बस में जाते हैं तो मैं भी लेट हो गया हूँ एंड ये वैसे ही बस में जाते हैं तो फाइनली मैं इन लोगों से मिल लिया हूँ। मेरे को मिस करते हो नहीं करते हो? आपको तो मिस करते हूँ, जैसे आज ही मिलना हुआ कितने दिनों बाद है, बहुत टाइम के बाद मिले तो अभी इनसे भी मेरे को बहुत सारी बातें करनी है। ये इधर है हमारा घर, ये सामने इधर शॉप है मोबाइल्स वगैरह की एंड सो अभी वो वीरेंद्र जी अपनी बाइक लेने के लिए गए हैं एंड आने वाले हम लोग वीरेंद्र जी के पास ही चलते हैं। वो रहे वो निकाल रहे हैं बाइक अपनी। हेलो हेलो रुको, तो अब यहाँ से घर तक का सफ़र रहेगा वीरेंद्र जी के साथ में, यानी पीछे से देखो मार्केट कुछ ऐसा सा है, बहुत सही सीन। सो डूड फाइनली मेरे को वीरेंद्र जी ने छोड़ दिया है एंड यहाँ से मेरा घर बिल्कुल पास में ही है, पास में क्या है बस आ ही गया है एंड नाइट के अंदर शायद से पहली बार हुआ होगी मैं शूट कर रहा हूँ ऐसे एंड आप लोग देख सकते हो इधर बिल्कुल से अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये न्यू ईयर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेके आया अपने साथ में, मेरे लिए तो उन बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई है एंड ये भी बहुत पॉजिटिव है एंड मैं इस न्यू ईयर पे मैं हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से रहता हूँ एंड आज भी मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लूँगा इस चीज़ को, मैं लेट हो उसको भी ताकि आप लोगों के साथ नाइट में मैं व्लॉग कर पाया। नाइट के अंदर मैंने पहले कभी व्लॉग नहीं किया था बट नाइट के अंदर आज देख लो हम लोग लेट हुए हैं तो नाइट के अंदर आप लोगों से बात हो रही है। सो भाई सो अभी हम लोग पहुँच गए घर पर एंड खाने वाने का टाइम हो गया है, अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे। ये मेरी मम्मी इधर बर्तन वगैरह साफ कर रही है, ये रे पापा। अभी पहले हम लोग पियेंगे चाय वगैरह एंड उसके बाद आप लोगों से बात करेंगे जो हमारे सर ने हमारे लिए गिफ्ट लाया है। एक बार लाइट ऑन करता हूँ मैं, शायद से आप लोगों को कुछ दिखे अच्छा सा। सो अभी हम लोग क्या करते हैं चाय वगैरह पीते हैं एंड उसके बाद जो गिफ्ट वगैरह है उनके ऊपर बात करते हैं एंड आगे क्या करना है क्या सीन रहता है वो आप लोगों से डिसाइड करते हैं। सो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद में। सो डूड जो मेरा व्लॉग था डे 5 का उसको मैं लास्ट नाइट कंप्लीट नहीं कर पाया, बिकॉज नाइट हो चुकी थी एंड मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था क्योंकि मैं 8 बजे ऑफिस गया था एंड वहाँ से ऑलमोस्ट 7 या 7:30 बजे आया था तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था एंड मैंने उसको एंड नहीं किया था बिकॉज फिर अंधेरा भी हो गया था एंड लाइट भी प्रॉपर नहीं आ रही थी तो उतना प्रॉपर अच्छे से वीडियो बन नहीं पा रहा था और मेरे को आप लोगों को चीज़ दिखानी थी, शायद तक से आप लोगों ने देख ली होगी कि मेरे को हमारे ऑफिस के अंदर हमारे जो सर हैं उन्होंने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं न्यू ईयर के, बट फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा देता हूँ क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने दिया हम लोगों को ये मास्क जो कि अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दूसरा है ये पेन, दिखने में शायद सकते आप लोग नॉर्मल पेन लग रहा होगा लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरे सर ने मेरे को गिफ्ट किया है। एंड थर्ड दिया है मेरे को ये चॉकलेट, सो ये चॉकलेट का एक दिया है मेरे को पैकेट एंड ये मैं मेरी फैमिली के साथ शेयर करने वाला हूँ, मैं मेरा भाई मम्मी पापा चारों लोग खाएंगे। न्यू ईयर के अंदर मैं न्यू ईयर के अंदर जितना हम लोगों ने सेलिब्रेट किया जितना कर पाया उतना कर लिया। सो भाई सो अभी इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। सो आई होप यू कैन एंजॉय दिस वीडियो, इफ़ यू गाइस रियली डिड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डोंट बी नॉर्मल बी सेफ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।